सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स सन 2020 इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 7 दिसंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं सन 2020-21 जैसे रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, SSC, CGL, CHSL, UPSC, PCS, स्टेट, PSC, बैंकिंग, SBI, PO क्लर्क, IBPS, आर्मी टीचर्स, पुलिस, SI, बिहार स्टेट एग्ज़ाम्स एंड ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के गागर में सागर का काम करेंगे हमारे ये करंट अफेयर्स। टॉपिक रहेगा यहाँ पर पुरस्कार, सम्मान, नियुक्तियाँ, राज्य केंद्र की योजनाएँ, समझौता, पुस्तक के लेखक, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, खेल विजेता, ब्रांड एम्बेसडर महोत्सव, मेला, भारत विश्व में प्रथम दिवस, थीम युद्धाभ्यास तथा सुर्खियों में रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न इत्यादि। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया है? ये किया है यहाँ पर जॉन इब्राहिम को। ए आपका आंसर हो जाएगा। जानवरों के प्रति प्रेम और उनके अधिकार के लिए काम करने वाले लोगों को हर साल यह सम्मान दिया जाता है। पेटा इंडिया ने 2019 में विराट कोहली को पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। पेटा पीपल फॉर दी एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इस्टाब्लिश 1980, हेडक्वार्टर नॉरफोल्क वर्जीनिया, प्रेजिडेंट इनग्रिड न्यूकर्क हैं। पेटा इंडिया इस्टाब्लिश 2000, हेडक्वार्टर मुंबई, CEO मनीलाल वल्ली ये थे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी सिट्रल्स टाइम्स द्वारा एशियन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित 6 लोगों में से एकमात्र भारतीय कौन है? अदार पुनावाला, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अन्य 5 विजेता झांग योंग झिन चीन के, मेजर जनरल चैन वी चीन के हैं, डॉक्टर रायुची मोरीसिता जापान के, ओईई एंग इरोंग सिंगापुर के, सीओ जंग जेन दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं। अदार पूनावाला पुणे स्थित दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना 1966 में साइरस पूनावाला द्वारा की गई थी। सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत में कोविड शील्ड नामक कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश स्वीडिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ हाथ मिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को। डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा इस पद को सैन्य अभियान, सैन्य खुफिया, रणनीतिक नियोजन और अभियानगत साजो सामान से निपटने के लिए बनाया गया है। उपसेना प्रमुख, यह सेना में उप प्रमुख का तीसरा पद होगा। रक्षा मंत्रालय ने एक और सूचना महानिदेशक का नया पद सृजित किया है। यह पद भावी युद्ध क्षेत्र, हाइब्रिड वारफेयर की ज़रूरतों एवं और सोशल मीडिया की हकीकतों को ध्यान में रखते हुए सृजित किया गया है। भारतीय सेना ने हाल ही में सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट नामक ऐप लॉन्च किया है। इंडियन आर्मी इस्टेब्लिश 1 अप्रैल 1895, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, चीफ मनोज मुकुंद नरवाने, वाइस चीफ सत्येंद्र कुमार सैनी, CDS विपिन रावत, टैगलाइन सर्विस बिफोर सेल्फ। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 दिसंबर सन 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया? ये मनाया गया है टूगेदर वी कैन थॉट वॉल्टियरिंग, तो यहाँ पर सी आपका आंसर हो जाएगा। इस दिवस को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी कहा जाता है। उनका द्वारा पहली बार यह दिवस 1985
में मनाया गया था। नोट, प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहली बार यह दिवस 2014 में मनाया गया था। विश्व मृदा दिवस 2020 का कैंपेन थीम कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सोल बायोडायवर्सिटी, यहाँ पर इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सुर्खियों में रहा अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2 का संबंध किस देश से है? जापान से है, ए आपका आंसर हो जाएगा। हायाबुसा 2 मिशन को जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने 3 दिसंबर 2014 को तानेगासिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था। हाल ही में यह यान रसयुगु क्षुद्र ग्रह से सैंपल लेकर धरती पर सफलतापूर्वक लैंड किया। वैज्ञानिकों के अनुसार सैंपल्स की मदद से धरती पर जीवन की उत्पत्ति से जुड़े जवाब मिल सकेंगे। रोवर का नाम हिबो आउल मॉस्कोट मिनरेवा 2 किसी क्षुद्र ग्रह पर यान को उतारने वाला और सैंपल लाने वाला जापान विश्व का पहला देश है। जापान की राजधानी टोक्यो, पीएम योशिहिदे सुगा, संसद डाइट मुद्रा येन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोलकाता में नवनिर्मित मेजर हार्ट ब्रिज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जय हिंद ब्रिज रखा गया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभिषेक मकवाना का निधन हो गया है, वे किस प्रसिद्ध टीवी शो के लेखकों में से एक थे? वो थे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल मेडिकल वैन कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है मुंबई में, बी आपका आंसर हो जाएगा। मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में गौरव स्तंभ स्थापित किया गया है। मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार मुंबई प्रवासियों के लिए विश्व का 60वां, एशिया का 19वां और भारत का सबसे महंगा शहर है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष राजीव जलोटा बने हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मुंबई में अत्याधुनिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली एफ लोज शुरू की है। 7 टापुओं पर बसा शहर मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कहलगांव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 50वां अभयारण्य बना है? महाराष्ट्र का, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यह अभयारण्य महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थित है, जो लगभग 270 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने पश्चिमी हिस्से के 8 क्षेत्रों और विदर्भ के 2 क्षेत्रों को भी वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। महा आवास योजना, महापरवाना योजना, देश की पहली किसान रेल सेवा देवलाली दानापुर के बीच शुरू, तनाव फंड, रुकी हुई झुग्गी पुनर्वास परियोजना को शुरू करने हेतु, ये सभी योजना महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। जिला 36 हैं, राजधानी मुंबई तथा नागपुर। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त। हाईकोर्ट लोकेटेड मुंबई। निर्वाचन सीट, लोकसभा सीट 48 हैं, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288 हैं, विधान परिषद यहाँ पर 78 हैं। राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु विशाल गिलहरी, राजकीय पक्षी पीले पैरों वाला हरा कबूतर, राजकीय वृक्ष आम, राजकीय फूल जरूल, राजकीय खेल कबड्डी, लोक नृत्य लावनी, नकटा, तमाशा, मौनी, गफा, बोहदा, लेजम, गौरीचा, ललिता, लेझिम तथा पोवाड़ा है। राष्ट्रीय उद्यान चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, नवेगाम राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तथा तनसा अभयारण्य, ये सभी यहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध डैम पेंटाकली डैम पी गंगा नदी पर, वर्धा डैम वर्धा नदी पर, कोयना डैम कोयना नदी पर, जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर, गिरना बांध गिरना नदी तथा उज्जैनी डैम भीम नदी पर स्थित। जनजातियाँ बार्ली कोली चितपावन तथा अम्बू फामैया, तो यहाँ पर जनजातियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ्को के श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2020 के विजेता कौन बने हैं? रणेंद्र कुमार यहाँ पर विजेता बने हैं, बी आपका आंसर हो जाएगा। रणेंद्र इस पुरस्कार के 10वें विजेता हैं। इस पुरस्कार की स्थापना 2011 है।
में की गई थी और इसके विजेता को 11 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। इफको इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म इस्टाब्लिश 3 नवंबर 1967, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, चेयरमैन बीएस नकाई, एमडी एंड सीईओ यूएस अवस्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्णकालिक मुख्य कोच के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? राधा कृष्णन नायर यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, डी आपका आंसर है। नायर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग संवर्धन कार्यक्रम प्रमाण पत्र पाने वाले पहले भारतीय हैं। AFI एस्टैब्लिश 1946, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, प्रेसिडेंट एडिले जे सोमरीवाला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस फुटबॉल स्टेडियम का नाम प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी दिवंगत डिएगो माराडोना के नाम पर रखा गया है? स्टाडियो सैन पाओलो स्टेडियम का नाम यहाँ पर इनके नाम पर रखा गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यह इटली का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है जो नेपल्स में स्थित है। डिएगो माराडोना अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर और कोच थे। माराडोना ने 1986 के फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ एक गोल किया था जिसे हैंड ऑफ गार्ड गोल के नाम से जाना जाता है। 2000-2001 में इन्हें ब्राज़ील के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी पेले के साथ संयुक्त रूप से फीफा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 दिसंबर को ट्रेड एक्सपो के साथ चौथे संयुक्त आर्थिक मंच विश्व सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किसने किया? के पलानी स्वामी ने किया, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसके द्वारा निर्देशित फिल्म जल्लीकट्टू को विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2021 के लिए भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया? लेजो जोस पेलिसरी को, तो बी आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 2 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश यहां पर बना है, बी आपका आंसर हो जाएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप, मडु आड़ी रेलवे स्टेशन, बनारस रेलवे स्टेशन, ये सभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये योजनाएं शुरू हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कहाँ 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा गुवाहाटी में, सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के इंजीनियर कैट रूबिन्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाई है? तो ये उगाई है नासा ने, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु कहां दर्ज की गई है? तो ये की गई है ब्रिटेन में, सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में GR उधवानी का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो एक न्यायाधीश थे, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कॉरी एंडरसन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो यहाँ पर ये थे न्यूजीलैंड के क्रिकेटर, बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? असम राज्य सरकार ने। रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा, ढींग एक्सप्रेस, हिमादास, धनवंतरी योजना, भारत का एकमात्र गोल्डन बाग, ये सभी यहाँ पर असम राज्य में देखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? अमेरिका ने, तो बी आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे एशियन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? अदार पूनावाला को यहां पर नामित किया गया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राधा कृष्णन नायर को यहां पर ये नियुक्त किया गया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में कान्हल गांव को एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है? महाराष्ट्र राज्य में, सी आपका आंसर हो जाएगा। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान, संजय गांधी गोगुमल नवेगांव नेशनल पार्क, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ द प्राउड पीपल, ग्रीस कोवेर, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य भी बन चुका है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चंद्रमा की सतह पर अपना झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र कौन बना है? चीन बना है, बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बारही देवी धाम
कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन को बदल करके कर दिया गया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? परमजीत सिंह को उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन फोरम शुरू किया है? ये शुरू किया है दिल्ली ने, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में पेटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया है? जॉन इब्राहिम को यहाँ पर नामित किया गया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। जी के वन लाइनर की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। किस देश ने हाल ही में भारत के साथ मैत्री संघ स्थापित करने की घोषणा की है? ओमान ने। किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाले सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने। 4-5 दिसंबर को भारत और किस देश की नौसेना ने पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में पसेक्स नामक अभ्यास का आयोजन किया है? रूस के साथ। हाल ही में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस किस दिन मनाया गया? 4 दिसंबर को। अन्य दिवस जो इस दिन मनाए गए हैं, रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस, भारतीय नौसेना दिवस, राजस्व खुफिया निदेशालय का स्थापना दिवस भी मनाया गया है। किस राज्य और देश ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और महात्मा गांधी के कार्यों और उनके विचारों को बढ़ावा देने के लिए एक कानून पारित किया? ये पारित किया है अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और किस स्टार्टअप ने भारत के पहले निजी रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं पिक्सल पर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च पुस्तक 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज के लेखक कौन हैं? ये हैं यहाँ पर डॉक्टर ए शिवधानु पिल्लई। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के सम्मान में डाक टिकट भी यहां पर जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड डी आंसिंग का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है? फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 में टॉप पर कौन है? एलन मस्क हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कमोडिटी ट्रेडिंग और खनन कंपनी जाइलेंस के नए सीईओ कौन बने हैं? गैरी नागले बने हैं। अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को सर्जन जनरल नियुक्त किया है? डॉक्टर विवेक मूर्ति को नियुक्त किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए एडवाइजरी के अनुसार कोई भी गेमिंग प्लेटफॉर्म अपने विज्ञान में कितने वर्ष से कम आयु के वर्गों को रियल कैश जीतने के लिए प्रेरित या संकेत नहीं दे सकता? 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना ने स्वर्णिम विजय वर्ग के उपलक्ष्य में गौरव स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई में। पेटा इंडिया ने किस भारतीय 18 वर्षीय छात्र को साल 2020 का स्वयंसेवक नामित किया है? अयान बनर्जी को नामित किया गया है। आज का इतिहास, 7 दिसंबर का इतिहास, भारत और विश्व में 7 दिसंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको बताएंगे। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 7 दिसंबर वर्ष का 341वां और यदि लीव वर्ष है तो 342वां दिन है। साल में अभी 24 दिन और शेष हैं। 7 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएँ तो यहाँ पर इस प्रकार है। 7 दिसंबर 1825 को भाप से चलने वाला पहला जहाज एंटरप्राइज कोलकाता पहुँचा। 1856 देश की पहली बार आधिकारिक रूप से हिंदू विधवा का विवाह कराया गया। 1941 जापानी विमानों ने हवाई स्थित पर्ल हार्बर में अमेरिकी बेड़े पर हमला किया जिसमें 2043 लोग मारे गए। 1944 में जनरल रादेस्कू ने रोमानिया में सरकार का गठन किया। 1970 पश्चिमी जर्मनी और पोलैंड के बीच संबंध सामान्य हुए। 1972 में अमेरिका ने चंद्रमा के लिए अपने अभियान के तहत अपोलो 17 का प्रक्षेपण किया। 1983 में मैड्रिड एयरपोर्ट पर दो जेट विमानों के आपस में टकराने से 93 की मौत हो गई। 1995 में दक्षिण एशिया वरीयता व्यापार समझौता प्रभावी। भारत ने संचार उपग्रह इनसेट 2C का प्रक्षेपण किया। 1988 आर्मेनिया में 6.9 तीव्रता वाले भूकंप से 25,000 लोगों की मौत, लाखों बेघर हो गए। 2001 में कंधार में तालिबान ने हथियार डाले। विक्रम सिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। 2002 में तुर्की की आजरा अनिन मिस वर्ल्ड 2002 बनी।
कश्मीर में इलाहाबादी हिंसा में 8 मुस्लिम विद्रोहियों सहित 14 लोग मारे गए। 2003 में रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। 2004 में हामिद करजई ने अफगानिस्तान के पहले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। 2007 में यूरोप की कोलंबर प्रयोगशाला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचाने वाली एटलांटिस की बहुप्रतीक्षित उड़ान तकनीकी कारणों से स्थगित हो गई। 2008 में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंद्रमोहन को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किया। भारतीय गोल्फर जी मिल्खा सिंह ने जापान टूर का खिताब जीता। 2009 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू किया। 7 दिसंबर को जन्मे प्रमुख व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 7 दिसंबर 1954 को अर्जुन राव मेघवाल एक भारतीय राजनेता है, उनका जन्म हुआ। 7 दिसंबर 1924 को मारिया सोरेस पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति, उनका जन्म हुआ। 1889 में आज ही के दिन राधा कमल मुखर्जी आधुनिक भारतीय, इनका जन्म हुआ। संस्कृतक और समाजशास्त्र के विख्यात विद्वान थे। 1887 में गोविंद सिंह राठौड़ भारत के जांबाज सैनिकों में से एक थे, उनका जन्म हुआ। 1879 को जतेंद्रनाथ मुखर्जी भारतीय क्रांतिकारी थे, उनका जन्म हुआ। 7 दिसंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 7 दिसंबर 1977 को दीप नारायण सिंह पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 7 दिसंबर 2011 को हैरी मार्गन पुरुष अभिनेता संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 7 दिसंबर के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।